हेलो दोस्तों, मैं हूँ ममता। ममता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है अंडे की मसालेदार रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए मज़ेदार और सुपर टेस्टी रेसिपी को शुरू करते हैं। पहले कढ़ाई में पानी डालकर सब अंडे को उसमें डालेंगे। थोड़ा सा नमक भी उसमें डाल लेंगे। फिर ढककर अंडे को अच्छी तरह से उबालेंगे। देखिए, हमारा अंडे सब उबल गया है, उसे अब हम निकाल देंगे। फिर अंडे का स्किन हम निकालेंगे। देखिए, मैंने एक एक करके सबका स्किन निकाल दिया है। फिर कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। फिर तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा उसमें शक्कर डालकर अंडे को सब उसमें डालेंगे, फ्राई करेंगे। शक्कर डालने से अंडे की कलर बहुत अच्छी आती है। देखिए, हमारा अंडा फ्राई हो गया है। फिर उसे निकाल देंगे। फिर कढ़ाई में 3 चम्मच तेल डालकर उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा चढ़कने बाद 3 बड़े कटा हुआ प्याज, 1 टमाटर को डालकर अच्छी तरह से उसे मिक्स करेंगे। फिर उसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालकर प्याज को ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे। देखिए, हमारा प्याज ब्राउन कलर हो गया है। फिर उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छी तरह से उसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए, हमारा 2 मिनट हो गया है। फिर एक बाउल में 1/2 कप पानी लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच एग मसाला डालकर अच्छी तरह से उसे मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद इस मसाले को हम प्याज में डालेंगे। फिर 5 मिनट तक हम मसाले को फ्राई करेंगे, जब तक मसाले से तेल ना निकले। देखिए, हमारा मसाला फ्राई हो गया है। फिर उसमें हम फ्राई किया हुआ अंडे को डालेंगे। अच्छी तरह से उसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमारा 1 मिनट हो गया है। फिर उसमें हम पानी देंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उतनी पानी डाल सकते हैं। फिर उसे हम मिक्स करेंगे। फिर ढक कर 1 मिनट तक पकाएंगे। देखिए, हमारा 1 मिनट हो गया है। फिर उससे हम चेक करेंगे। देखिए, हमारा करीब तैयार हो गया है। गैस को हम लो कर देंगे। फिर उसमें हम कटा हुआ धनिया पत्ता और गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद गैस को हम बंद कर देंगे। फिर गरम गरम चावल और रोटी के साथ सर्व करेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे घर में एक बार ज़रूर बनाएं, सबको पसंद आएगी।